चयनकर्ता, सेलेक्टर्स, खेल की खबरों के साथ में ये शब्द प्रमुखता से जोड़कर पढ़ा और सुना जाता है। कोई भी मेजर स्पोर्ट्स इवेंट होने वाला हो या छोटा सा ही कोई टूर्नामेंट होने वाला हो, उसके पहले चयनकर्ताओं की बैठक होती है और वो प्रतिभा, कौशल और अनुभव के आधार पर एक टीम का गठन करते हैं, निर्माण करते हैं, जिसके आगे जाकर कोई भी टीम है वो श्रेष्ठतम प्रदर्शन अपना उस खेल के भीतर दे पाए। वैसे ही किसी कंपनी में जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो भी किसी व्यक्ति विशेष का जब इंटरव्यू लेते हैं तो उसके भीतर किन किन गुणों की स्थितियां हैं उसको देखकर ही अपनी उस कंपनी के अंदर उसका चयन करते हैं। अब यहां पर भी आप देखें कि उस व्यक्ति के पास में क्वालिफिकेशन क्या है, उस व्यक्ति के पास में अनुभव का आधार क्या है, उस व्यक्ति ने कहां कहां कितने कितने समय तक कार्य किया है और उसके साथ में ही सामने बैठकर उसकी किस तरह की एनर्जी और वाइब्रेशन आ रही है, वो कितना हिचक में है और कितना जिज्ञासाओं के साथ में है, ये सब कुछ वहां बैठकर बहुत अच्छे से डिसाइड किया जाता है। और यही एक प्रमुख आधार मात्र है कि चयन की प्रक्रिया क्या है। और प्रत्येक क्षेत्र में हम चयन करने वाले होते हैं। जब भी किसी फिल्म का निर्माण होता है तो किस किस एक्टर को या फिर किस किस प्रतिभाशाली व्यक्ति विशेष को उसके लिए चयन करना है, उसमें भी एक गहन मंथन होता है। उसी तरह से हम स्व चयनकर्ता भी हैं, अपने जीवन के भीतर निराशाओं का चयन कर रहे हैं या फिर आशाओं का चयन कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कार्य कर रहे हैं, कुछ लोग नकारात्मकता के ऊपर लगातार डिस्कशन किए जा रहे हैं और हम भले ही ऐसे दो लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं जो हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में बात करते हैं, हम अपने जीवन में जिज्ञासाओं का चयन करते हैं, हम अपने जीवन के भीतर पूरे तरीके से ऊर्जाहीन स्थितियों का चयन करते हैं, हम संघर्षों के भीतर कितनी उजास का चयन करते हैं, ये सब कुछ हम पर निर्भर करता है। और जो व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर प्रत्येक क्षण अपने लिए एक नवीन स्तर का चयन करने वाला होता है, वो शीर्षस्थ स्थितियों को अपने कार्य क्षेत्र में प्राप्त करता चला जाता है। जहां एकाग्रता एक अलग स्थिति है, किंतु सबसे पहले प्रक्रिया आती है चयन की। और जरूरी नहीं है कि हमेशा श्रेष्ठता को ही चयन की ओर लेकर जाया जाए। कई बार लोग हमको कहते हैं कि ये हुनर आप में मौजूद है जिस पर कार्य करने की आवश्यकता है, व्यक्ति ने उस गुण का चयन किया और लगातार उसके ऊपर मेहनत की और निखर कर उस व्यक्ति ने उस हुनर के साथ में एक नया आयाम स्थापित किया, तो वो भी एक चयन की प्रक्रिया है। तो हम स्व चयनकर्ता बने और ऐसे क्षणों को चयनित करने वाले हों जिससे कि जीवन सरलता और श्रेष्ठता की ओर बेहद आसानी से जा सके। हम यहाँ 9 जून 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। मंगलवार रहेगा आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष, तो वहीं चतुर्थी उपरांत पंचमी की स्थितियां हैं और साथ में ही सूर्यदेव वृषभ राशि में ही गमन कर रहे हैं। चंद्रमा आज पूरे दिन मकर राशि स्थान में विराजमान रहेंगे। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहां आप देखें कि कामकाजी जीवन के अंदर विशेष तौर पर नौकरी पेशा जीवन में आपके लिए निर्विघ्न तरीके से ये दिन नई संभावनाओं को लेकर आ रहा है। पूरी ऊर्जा के साथ में चलते चले जाइएगा। वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर जो प्रबंधन संबंधी कार्य होते हैं वहां आपके लिए एक श्रेष्ठता बनी रहेगी और आप नए से नए आयाम हासिल करने वाले हो सकते हैं। किसी भी ऐसे व्यक्ति विशेष से मुलाकात करनी है जहां पर हमको एक हिचक थी, मन के भीतर डर था, जहां भाग्य और कर्म दोनों की ही आवश्यकता है जिससे कि लाभ की ओर जाया जा सके, ऐसे स्थितियों में आज आपको निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों से इनकार नहीं कर सकते। तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में भी एक तीव्रता बनी रहेगी। अगर आप किसी भी लव एन अफेयर के साथ में चल रहे हैं तो इस बात को पूर्ण रूप से स्मृतियों में रखिएगा कि ये दिन रिलेशंस के हिसाब से एक अच्छी बॉन्डिंग लेकर आ सकता है। गृहस्थ जीवन के साथ में जो भी महिलाएं जुड़ी हुई है उनके लिए भी इस दिन जो यश और मान की प्राप्ति होनी चाहिए उसकी भी पूर्णतया निर्मित रहने वाली होगी। और वहीं स्वास्थ्य संबंधी स्तर के ऊपर आप मौसम जनित स्थितियों का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। वृषभ राशि,
भाग्य का संयोग आज पूरे दिवस में आपके लिए बना हुआ है। पहली बात तो ये, वहीं जो पराक्रम का स्तर होता है व्यक्तिगत जीवन में, जिससे साहस और ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ा जाता है, उसका भी एक नवीन स्तर आपके लिए लगातार बना हुआ है। उच्च शिक्षा की गतिविधियों में कोई भी रुकावट या फिर बाधा थी, वहां पर भी फिर से एक रफ्तार पर काबिज होकर आप चलने वाले रहेंगे। संतान पक्ष के साथ में वैचारिक मतभेद यहां पर समाप्त होकर फिर से एक जुड़ाव यहां महत्वपूर्ण तरीके से सामने आ सकता है। कोई भी मैनेजमेंट संबंधी कार्य के साथ में आपका जुड़ाव है, भले ही व्यापार हो या नौकरी पेशा जीवन, महत्वपूर्ण निर्णय की ओर आप गंतव्यशील रहिएगा। आकस्मिक तौर के ऊपर जो परेशानी सताती है, वहां पर भी आपके लिए एक पूर्ण विराम लगा हुआ है, जिससे कि बिल्कुल भी चिंतित और विचलित होने की दरकार नहीं है। चर्चा मिथुन राशि की। अज्ञात भय की स्थितियां आपको सताने वाली हो सकती है। प्रथम दृष्टिगोचर स्तर के ऊपर ये बात, तो वहीं पर रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर आपके लिए नवीन स्पंदन और तीव्रता बनी रहेगी। कम्युनिकेशन के किसी भी कार्य के साथ में आप परिवर्तन की ओर नहीं जाएं और किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा दिए जा रहे मानसिक दबाव में आकर हम कोई गलत निर्णय नहीं लें, यह भी आप ध्यान रखें। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर महत्वपूर्ण तौर पर आपको आगे बढ़ना है, तब भी इस दिन में थोड़ा सा रुक कर चलना चाहिए। स्थायित्व संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर प्रगति के कुछ संकेत आपके सामने मिल सकते हैं। पुराने रोगों से जो लड़ने की ताकत है वो और ज्यादा यहां बढ़ेगी। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में आप ऐसी स्थितियों का मुकाबला कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन के साथ में किसी भी तरीके का संदेह बना हुआ था, उससे स्वयं को थोड़ा सा दूर रखकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। वहीं कर्क राशि। व्यापारिक जीवन में आत्मविश्वास बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए बना रहेगा और वहीं पर दूसरे लोगों के भीतर हमारे कर्म के द्वारा जो एक विश्वास स्थापित करना होता है, उसकी पूंजी भी यहां बहुत अच्छे तरीके से बनी हुई है। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया ऑफर आता है तो उसको स्वीकार करने की तरफ आप जा सकते हैं। विश्वास के साथ में किया गया ये कार्य आपके लिए एक नवीन स्पंदन को लेकर आएगा, यानी कि नौकरी पेशा जीवन में ये परिवर्तन आपके लिए फाइनेंशियल गेन लेकर आ सकता है। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर आपके लिए आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां यहां पुरजोर तरीके से दिखाई दे रही है। तकनीक या फिर प्रबंधन के विषय के साथ में अगर आप स्टडीज की तरफ लगातार अग्रसर हैं और साथ ही साथ में कोई स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं या एक नएपन के बारे में सोच रहे हैं जो कि व्यापार के साथ जुड़ा हो, फ्रीलांसिंग के साथ जुड़ा हो, ऐसे निर्णय की ओर आप निरंतर बढ़ते चले जाइएगा। सिंह राशि। सर्वप्रथम यहां पर आप इस बात का गौर करें कि कोई भी ऋण संबंधी स्थितियों से आज पूर्णतया आपको बचकर चलना चाहिए। कहीं पर भी ऐसी तीव्रता आप नहीं दिखाएं तो बेहतर है। और वहीं पर जो खर्चों संबंधी स्थितियां होती है, वहां पर भी एक नियंत्रण स्थापित रहेगा। क्षमताओं का आकलन करने में कहीं पर भी आप गलती मत कीजिएगा। बिजनेस के अंदर कोई कमिटमेंट करना है, नौकरी पेशा जीवन में किसी भी तरीके के वादे के साथ में चलना है जिसमें समय की बाध्यताएं हैं, आप ये पूर्णतया ध्यान रखें कि हम दो बार रीचेक कर चुके हैं, उसके बाद में ही किसी कमिटमेंट की ओर बढ़ें। शत्रुवत स्थितियां जो बारंबार सता रही थी, वहां पर भी अब एक नियंत्रण स्थापित रहेगा। इस दिन की शुरुआत आपको चंद्रशेखर अष्टकम के साथ में या रुद्राष्टाध्याय के श्रवण के साथ करनी चाहिए। मन के भीतर आ रहे नकारात्मक विचार पूर्णतया दूर होंगे और आप सहजता के साथ में कार्य करते चले जाएंगे। कन्या राशि। सर्वप्रथम यहां आप देखें कि शेयर मार्केट संबंधी किसी भी कार्य के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, ये दिन एक बेहतरी की सूचना लेकर आ रहा है। नए निवेश की ओर आप जाने का कार्य कर सकते हैं। वहीं रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में अगर आपका जुड़ाव या फिर हस्तक्षेप है तो भी ये ध्यान रखिएगा कि इस दिवस के अंदर जो पोजीशंस बन रही है वो आपके लिए नए ऑफर लेकर आ सकती है। शिक्षा संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर अग्रसर रहने वाले व्यापारी जन, उनके लिए भी तकनीक के साथ में जुड़ना या कोई महत्वपूर्ण निर्णय की तरफ जाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। भाग्य का संयोग पूर्णतया बना हुआ है, इसी वजह से नौकरी पेशा जीवन में चल रही उहापोह पूर्ण रूप से दूर होगी और आप
निरंतर गतिमान हो पाएंगे, वहीं पर इच्छा शक्ति की जब कमी नहीं हो और कोई ऐसे निर्णायक मीटिंग की तरफ जाना हो जहां पर हमारे लिए चांसेस बहुत कम थे, वहां अपनी रफ्तार को बढ़ाते चले जाइएगा। गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाओं के लिए कामकाजी जीवन का प्रेशर भी पूर्ण रूप से बना हुआ है। अपने समय को बहुत अच्छे से निर्धारित और बांटकर चलने का प्रयास करना चाहिए आपको। तुला राशि, सर्वप्रथम स्थायित्व संबंधी कामकाज में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आपको यहां रुक कर चलने का प्रयास करना चाहिए। प्रथम स्थिति तो ये यहां दिखाई देती है। दूसरे स्तर के ऊपर अगर मैं बात करता हूं तो रचनात्मक क्षेत्र के अंदर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आपको यहां रुकना चाहिए। पिता के साथ किसी भी कार्य क्षेत्र में आप संलग्न हैं तो बहुत ज्यादा डोमिनेशन से बचें, और वहीं जो कई बार मौखिक वाद और विवाद सामने आते हैं वहां से भी पिता के साथ में हम उलझे नहीं। ये समय सुलझने का है, ये समय व्यापार के अंदर नई दिशा और दशा तय करने का है। ऐसी छोटी छोटी स्थितियां कई बार मेंटल ब्लॉकेज को लेकर आने वाली होती है, इस बात को ध्यान में रखकर आपको चलना चाहिए निरंतर तौर पर। सर्विस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए जातकों के लिए यह दिन वृद्धि के नए संकेत लेकर आ सकता है। चर्चा करता हूं वृश्चिक राशि की। सर्वप्रथम भाग्य का सहयोग आपके लिए यहां पूर्णतया बना रहेगा, और वहीं नौकरी पेशा जीवन के साथ में चलते हुए हम बारंबार जो विचलित करने वाली स्थितियां देख रहे थे उसके अंदर भी एक सुलझन की पोजीशन आपके लिए बनी रहेगी। स्थिरता के साथ में चलें, कम्युनिकेशन के किसी भी वर्क में चेंजेस की ओर जाया जा सकता है। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर आपके लिए यहां एक नयापन निरंतर तौर पर बना रहेगा, यह एक बात। तो वहीं मित्रों का जो औचक रूप से सहयोग मिलना चाहिए, जिसकी कल्पना हमने नहीं की थी, उसकी भी श्रेष्ठता यहां आपके लिए बनी हुई है। अब चर्चा धनु राशि की। सर्वप्रथम यहां आप देखें कि फाइनेंशियल गेन की जो पॉसिबिलिटीज लंबे समय से आपके लिए एक रुकावट के अंदर थी, वहां पर एक तीव्रता आ सकती है, क्योंकि चंद्रमा सेकेंड हाउस की पोजिशन धन भाव में ही विराजमान रहेंगे। कुटुंबी जनों के साथ या फिर गृहस्थ के साथ में कोई भी व्यापारिक गतिविधि चल रही है, वहां पर भी आपके लिए एक समरसता बनी रहने की उम्मीद है। कम्युनिकेशन के किसी भी कार्य के साथ में आपका जुड़ाव है तो कन्विंसिंग पावर का फायदा उठाकर आपको गतिमान रहना चाहिए। व्यर्थ के छोटे छोटे क्लैशेस से बचिएगा। तो वहीं संतान पक्ष की ओर से शिक्षा को लेकर जो चिंता और परेशानियां बनी हुई थी उससे भी निजात पाकर आप आगे बढ़ पाएंगे। स्वास्थ्य संबंधी स्तर के ऊपर ये दिन आपको एक नएपन के साथ में लेकर चलने का, यानी कि स्वास्थ्य में संबल की ओर लेकर चलने का कार्य कर रहा है, और व्यापारिक साझेदारियों के अंदर एक फिर से बॉन्डिंग एस्टेब्लिश हो सकती है, ये आप ध्यान रखिएगा। भाग्य के सहयोग के साथ ही साथ में आपकी इच्छा शक्ति की प्रबलता भी पूर्ण रूप से सहयोगी सिद्ध होगी आपके लिए। तो वहीं विदेश संबंधी कामकाज के अंदर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। वहीं अगर मैं मकर राशि की चर्चा करता हूं तो आप ये देखिएगा कि आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप कई महत्वपूर्ण कार्य यहां पर पूरे कर पाएंगे। गृहस्थ के साथ में जो चिंता और परेशानियां थी वो भी दूर होने वाली होगी। कई बार छोटी छोटी बातें सेपरेशन के मोड़ तक पहुंच जाती है, जहां से व्यक्ति फिर से पलट कर आता है और अपने रिश्ते को खुशनुमा पलों के साथ बिता पाता है, ये स्थितियां बनी हुई है। तो वहीं व्यापारिक जीवन में क्षमताओं के ऊपर विश्वास करके बढ़ना ही आपके लिए एक प्रमुख माध्यम यहां बना रहेगा, इस बात पर भी आप गौर करके चलिएगा। तो साथ ही साथ में जो खर्चों संबंधित स्थितियां होती है वो थोड़ा सा परेशान करने वाली हो सकती है आपको। कुंभ राशि, सबसे पहले तो यहां विदेश संबंधी कार्यों के अंदर आप एक नई तीव्रता के साथ में चल पाएंगे। रोग संबंधी जो स्थितियां बहुत लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी वहां पर भी निजात मिलने की उम्मीद पूर्ण तैयार रहेगी। भाग्य का सहयोग यहां निरंतर तौर के ऊपर आपके लिए उस स्तर के साथ नहीं बना हुआ है, यानी कि थोड़ी सी कमी बनी रहेगी। शेयर मार्केट संबंधी निवेश के अंदर आप बचकर चलें तो वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी
नया ऑफर आता है, फैसिनेशन से दूर हटाकर उस ऑफर की जांच और परख हमको करनी चाहिए। वहीं पिता के साथ किसी भी कामकाज को और नएपन का शक्ल देकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ एक गुजारिश के साथ में और समझाइश के साथ में हमको चलना चाहिए। ये भी एक प्रमुख बात यहाँ दिखाई देती है। रचनात्मक कार्यों के अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन से बचना चाहिए आपको। वहीं मीन राशि की अगर मैं चर्चा करता हूं तो यहां सबसे पहले व्यापारिक जीवन के अंदर आप एक नएपन के साथ में चलिएगा, नई ऊर्जा और उत्साह के साथ में चलना सबसे बेहतर स्तर आपके लिए रहेगा। तो वहीं किसी नए व्यक्ति के साथ में आप जुड़ना चाहते हैं उस लिहाजा भी ये दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए कहा जा सकता है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो बॉसेस के साथ में क्लैशेस बने हुए थे या छोटी छोटी बातों से बारंबार फ्रस्ट्रेशन सामने निकल कर आ रहे थे उससे भी पार पाकर आप यहां गतिमान होते चले जाएंगे। भाग्य का सहयोग पूर्ण रूप से है तो वहीं ये ध्यान रखिएगा कि हमारे कामकाजी जीवन के अंदर जिस अनुभव की आवश्यकता हमको होती है और वो अनुभव हमको मिल चुका है तो अब घबराने की आवश्यकता नहीं। खुद को जब व्यक्ति कहीं पर भी प्रूव कर चुका हो तो फिर श्रेष्ठता के साथ में चले। आत्मनिर्भर स्थितियां जब भीतर मौजूद हो तो फिर रफ्तार के साथ में चलते चले जाना चाहिए। ये तो एक बात है। वहीं पत्रकारिता संबंधी कामकाज देखिए, लाभ के साथ में चंद्रमा का जुड़ाव है। पत्रकारिता लेखन के विधा या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो कि चमक दमक के साथ में जुड़ा हो, जहां आपकी फेस वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, जहां आपके विचार भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तौर के ऊपर कार्य करते हैं, उन सारे ही क्षेत्रों के अंदर वृद्धि बनी रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर छोटी सी लापरवाही भी दिक्कत दे सकती है, इसका ख्याल रखकर चलना चाहिए आपको। तो ये था 9 जून 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में समय दर समय हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और आभार हृदय से।